गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन था वो था माय स्कूल डेज। ठीक है, तो माय स्कूल डेज का हमारे गांधी जी, जिसका थीम है ऑटोबायोग्राफी, और इसमें गांधी जी के ऊपर फोकस किया गया है। गांधी जी के बारे में बताया गया है कि स्कूल में वो कैसे थे, झूठ नहीं बोलते थे, कैसे वो लोगों को पसंद नहीं करते, मतलब शर्माते थे, लोगों से बात वगैरह करना उनको पसंद नहीं था, और कहाँ उनको शिफ्ट होना पड़ा स्कूल के लिए। उनको पूरा डेवलप्ड स्कूल नहीं मिला था, आधा डेवलप्ड स्कूल मिला था, फिर भी वो इतने अच्छे बने। तुम लोगों को तो फिर भी अच्छा स्कूल मिला हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है, तो पढ़ाई करनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, रीडिंग करते रहना चाहिए भाई, रीडिंग छोड़नी चाहिए। ठीक है, ये बताया। फिर सेकंड पार्ट में ये बताया कि वो उनके घर, उनके स्कूल में कोई इंस्पेक्टर आया था वो करने, इंस्पेक्शन करने, तो एक स्पेलिंग लिखने के लिए बोला, तो उनके टीचर भी उनको बोल रहे थे कॉपी करने के लिए, लेकिन तब भी उन्होंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से वो उनको फिर भी एवरेज स्टूडेंट नहीं माना, वो उनके सबका सही था लेकिन फिर भी उनका गलत था जो स्पेलिंग था, फिर भी उनको एवरेज स्टूडेंट ना माना, उनको अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, रिजल्ट दिया। और उसके बाद एक इंसिडेंट था जो उनको याद नहीं है, उनको पनिशमेंट मिला था शायद, और जो बहुत ज़्यादा रोए थे वो, और उस टाइम बहुत ज़्यादा रोए थे वो, जब वो शायद सेकंड या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये था कि हम वो दूर रहते थे फिज़िकल एक्टिविटीज़ से, फिज़िकल वो जो जिमनास्टिक्स और ये क्रिकेट आ गए थे उनके स्कूल में, उससे दूर रहते थे। इनकी कमी को पूरा करने के लिए वो वॉक वगैरह किया करते थे। वॉक करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो कि अभी भी करते हैं वो। ठीक है, तो ये सब वो किया करता करते थे, है ना। बाद में एक इंसिडेंट ऐसा भी हो गया कि वो लेट हो गए थे जिमनास्टिक्स के लिए, जो तब, और उन्होंने बोला था कि वो लेट हो गए, जो सब कुछ बताया उन्होंने, जब जो भी हुआ था वो लेट क्यों हुए वो बताया, फिर भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया गया, तो उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उन्होंने इसका भरपाई करते हुए उन्होंने ठान ली कि वो कभी भी केयरलेस नहीं रहेंगे, मतलब असावधानी नहीं बरतेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ रहे देखो। यहाँ से पढ़ रहे द एक्सेप्शन। ठीक है, द एक्सेप्शन फ्रॉम एक्सरसाइज वॉज ऑफकोर्स ऑब्टेन एज माई फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेड मास्टर सेइंग दैट ही वॉन्टेड मी एट होम आफ्टर स्कूल। तो जो मैं एक्सरसाइज से जो मुक्त होना चाहता था, मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता था, वो मेरे को मिल गया क्योंकि मेरे पिताजी ने लिखा हेडमास्टर को स्कूल के, उन्होंने खुद लिखा मेरे पिताजी ने स्कूल के हेडमास्टर को कि वो मुझे दोपहर में घर पर देखना चाहते हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं दोपहर में घर पर रहूं। ठीक है, बट दो आई वॉज नन द वर्स फॉर हैविंग नेगलेक्टेड एक्सरसाइज आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर नेगलेक्ट। आई वॉज नन द वर्स फॉर हैविंग नेगलेक्टेड एक्सरसाइज। मैं इसलिए शर्मिंदा नहीं था कि मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, मैं इसलिए शर्मिंदा था कि मैं उसकी उस बात की पेनल्टी भर रहा था जो मैंने अगली गलती की थी, उससे पहले वाली गलती की थी, जो वो लेट आ गए थे ना उस वो वाली गलती। आई डू नॉट नो व्हेंस आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। मुझे नहीं पता था कि मुझे कब कि भाई जो गुड हैंड राइटिंग थी वो इतना ज़्यादा ज़रूरी पार्ट नहीं थी शिक्षा का, एजुकेशन का। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंडेड ऑफ माई नेगलेक्ट। मुझे अब शर्मिंदा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, और मैंने अपने अपने अपनी जो गलती है उसके लिए माफ़ी मांगी। ठीक है, मैंने अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे को अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, आई सो दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। मेरे को लगा कि जो बुरी हैंड राइटिंग है वो मानी जाती है कि उसकी शिक्षा अच्छी नहीं है, पूरी नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरे को लगा। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन बट इट वॉज टू लेट। मैंने अपनी हैंड राइटिंग बाद में सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, तब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आई कुड नेवर रिपेयर द नेगलेक्ट ऑफ माई यूथ। मैं कभी अपने जो मेरी युवावस्था की जो गलतियां हैं वो कभी सही नहीं कर सकता, रिपेयर नहीं कर सकता। री मतलब वापस, पेयर मतलब जोड़ना, वापस
और रिपेयर मतलब सही करना, ठीक है, वापस जोड़ता ही तो है ना रिपेयर करने वाला, तो बस वो अपनी गलतियों कभी वापस सही नहीं कर सके। लेट एवरी यंग मैन एंड वीमेन बी वॉर्न बाय माई एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। कि हर आदमी और औरत को मुझे मेरा एग्जाम्पल देते हुए ये अंडर समझना चाहिए कि जो अच्छी हैंड राइटिंग है वो ज़रूरी पार्ट है एजुकेशन का, ज़रूरी हिस्सा है एजुकेशन का। आई एम नाउ ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग हाउ टू राइट। मैं अब यही कहता हूँ कि बच्चों को पहले ड्राइंग बनाना सिखाना चाहिए, लिखने से पहले उनको ड्राइंग बनाना सिखाना चाहिए। लेट अ चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन एज इट डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लावर्स बर्ड्स एक्सेट्रा। बच्चे को जो लेटर्स है ना जैसे बर्ड्स फ्लावर्स ये दिखा के समझाना चाहिए, जैसे वो और चीज़ों के लिए करता है, जैसे फ्लावर्स के लिए फूल समझता है, बर्ड्स के लिए बर्ड्स, ऐसे। And let him learn handwriting only after he has learned to draw objects. और उसको handwriting तब सिखाई जाए जब वो चीज़ें बनाना, चीज़ें draw करना सीख गया हो, ठीक है। He will then write a beautifully formed hand. फिर वो बहुत अच्छे हाथ से लिखेगा, ठीक है। Word meaning देख लेते हैं। अब mediocre हमारा पहला word है, मीडियोकोर का मतलब मैंने बताया था एवरेज है ना, नाइदर गुड नॉर बैड, ना अच्छा ना बुरा, ऐसे बच्चे थे वो गांधी जी, एवरेज थे। सब अर्बन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। वही सब अर्बन मतलब पूरी तरह से ना बनाया गया हो जो। फिर है डंस मतलब अ पर्सन स्लो एट लर्निंग, डंस मतलब जो धीरे धीरे सीखता हो। ब्लेमिश मतलब स्टेन मतलब दाग, ब्लेमिश मतलब एक दाग। रिब्यूक मतलब शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, रिब्यूक मतलब एकदम ही वो अप्रूव नहीं कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन अ पर्सन प्रैक्टिस फर्म डिसिप्लिन और रूल्स। डिसिप्लिनेरियन मतलब जो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा मानता हो, जो डिसिप्लिन में विश्वास करता हो, ठीक है। Aloofness मतलब डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। Abstaining, refraining from indulging into something. Abstaining मतलब किसी चीज़ में अपने आप को जाने से रोकना, ठीक है। Exempt मतलब टू फ्री फ्रॉम एन obligation और टास्क। Exempt मतलब किसी भी चीज़ से अपने आप को मुक्त कर लेना, आज़ाद कर लेना, ठीक है। Repented, regretting one's own action. Repented मतलब अपने किसी बात का बुरा लगना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं यार, बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।